दोस्तों हम लोग आ गए हैं पांडव फॉल में और ये है रास्ता मेन गेट से अंदर जाने के लिए। ये है बैठने के लिए व्यवस्था। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं, अब नीचे जाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है, कितना सुंदर लगता है। तो हमको अभी यहाँ से नीचे जाना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पानी की भी सुविधा है, मोटर फिट है, चल भी रहे हैं। और ये देख सकते हैं वहाँ पर ये थोड़ा सा पत्थरों की चट्टानें हैं और वहाँ पानी, और वहाँ से फिर नीचे जाता है पानी, फिर और नीचे ये है पूरी झील एक तरह से हम कह सकते हैं इसको। इसी को बोलते हैं पांडव फॉल, नेचुरल है। मैं और मेरा दोस्त केवल दो लोग ही आए हैं, हालांकि हमको जाना था टाइगर रिजर्व बट वहाँ पर एंट्री बंद है तो फिर यहीं पर आ गए। और ये अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे वहाँ पर हमको जाना है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग गुफाएं हैं, तो उन गुफाओं को देखने जाना है वहाँ पर, ठीक है। दोस्तों हम लोग लाए हैं अपने साथ केले, ये केले। आज तो मैं जा रहा हूँ नीचे और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, इसे देख सकते हैं कहीं मोबाइल उबाल ना गिर जाए यार, नीचे चला जाए पानी में। और ये नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से रेनी सीजन में पानी गिरता है तो और अच्छा लगता है। वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए हैं घूमने के लिए, पता नहीं कौन लोग हैं, फॉरेनर्स हैं या फिर इंडियंस, चल के देखते हैं, चेक करते हैं। बहुत ही सकरा रास्ता बना है अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं, आप लोगों को तो आज दिखा ही दूँ, आप लोग आइए चाहे ना आइए। भाई कितना मस्त नज़ारा लगता है, प्रकृति है इसलिए अच्छा लगता है, बाकी यहाँ पर छपाई उपाई होती बढ़िया कलरफुल तो और न लगता अच्छा, बट ये प्राकृतिक है ना नेचुरल इसलिए अच्छा लग रहा है। यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा, वाह। So beautiful, beautiful, beautiful। चलो चलते हैं भाई, अभी इसके नीचे और जाना है वहां पर, चलते हैं नीचे। भाई अगर बिना रुके कहीं डायरेक्ट नीचे अगर जाएं तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, लेकिन जो दोस्त है ना ये अपना बसंत, इसने 1 घंटे लगवा दिया, बताइए इतना ज़्यादा समय लगवा दिया, इतने में तो हम घर पहुंच जाते। बहुत अच्छा नज़ारा है, जाते ही वीडियो अपलोड कर देना है अपना, ठीक है। और हम लोग आ चुके हैं पानी के बिल्कुल करीब और यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, फिशेज। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, और नीचे से एक लुक। अभी हमें वहाँ पर जाना है, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जितना समय लग जाए अभी। वो पहुँच गया अपना दोस्त फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, चलो इसकी फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मछली दिखा नहीं, तो मछली ये पानी। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं फोर्ट की ओर यानी कि किला की ओर, और यहाँ पर ये जो घास लगी ये भी काफ़ी मस्त है, कोई काटने वाला है नहीं है। तो लगी है, चलिए चलते हैं दिखाते हैं। भाई कमाल है यार, आई एम प्राउड ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, हमें अपने ज़िले पर गर्व है भाई, गर्व है कि हम लोग पन्ना ज़िले के हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और ख़ास बात, मधुमक्खियाँ बहुत बहुत लगी हैं, देख सकते हैं यदि देख पा रहे हो। और ये है पांडव फॉल, है ठीक है। हेलो, हम तो पन्ना से आए हैं, पन्ना। और ये हैं दोस्तों किलाएं, अभी मैं पास से जाके दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ।
वाओ अमेजिंग दोस्तों, ये है गुफा। और यहाँ पर अभी भी पानी गिर रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या है क्या। एंट्री तो दोस्तों बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और ये डॉगी आनंद ले रहा है यहाँ पांडा फॉल का। तो भाई यहाँ पर पानी गिर रहा ऊपर से, देख। तो भाई और ये हैं गुफाएं पांडव फॉल की। फिसलन युक्त क्षेत्र, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। मैं जा रहा हूं अंदर और आप लोगों को भी दिखाता हूं कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो अपना दोस्त पहले से अंदर जा चुका है, अभी मैं जाता हूं। और इस सेल्फी ले रहा से एक लोग दिखाता हूं बाहर का, ये है वाह, ठीक है ना। और ऊपर ये है, ऊपर कुछ नहीं है विशेष। तो चलो यहाँ से देखते हैं। और जैसे ही आप लोग गेट से निकल के और यूँ देखते हैं तो यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिख जाता है यहाँ से ऐसे। ये है पूरा, ठीक है। अब इनके अंदर जाते हैं, तो यहाँ से जाना है अपने को, और ये है गेट, ठीक है। तो ये है गुफाएं, यहाँ पांडव लोग बैठा करते थे। और ये है इस तरह से, आते थे रहते थे, निवास किए हैं यहाँ पर। और ये है छोटे छोटे रूम जैसे बने हैं, एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, और इसी तरह से छोटे छोटे रूम दो चार लोगों के बैठने के लिए। तो यहाँ आने के बाद वाकई काफ़ी अच्छा लगता है। चलो और अंदर जाता हूँ, एक और यहाँ है रूम, एक और रूम है, ये वाला रूम दिखाता हूँ आपको। अभी इस वाले रूम में गए थे, ये तो बाहर वाली है सभी, और अभी अंदर वाले जाते हैं, ठीक है। इसमें जाना है तो ये रूम खाली पड़ा है दोस्तों, यहाँ पर कोई जाता वाता नहीं है, और ये लकड़ियाँ डली हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर, ये बंद है। एक रूम ही है और पता नहीं इसके अंदर भी कोई और रूम होगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ही रूम दिखता है। चल के देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है ना, डर लगता है थोड़ा थोड़ा यार। अच्छा ये उस साइड से खुला हुआ है, एक रूम और है क्या? ओहो हो, अच्छा बस ये खाली गेट बना है और ये है। चलो चल के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वहाँ भी। हो यहाँ से कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ से केवल ये झरना दिखाई देता है वहाँ से, कितना बढ़िया नज़ारा है ना। और यहाँ पर हो सकता है कि रेनी सीजन में यानी कि वर्षा के दिनों में पानी थोड़ा ऊपर आ जाता हो, बट जगह काफ़ी है निकलने के लिए पानी, तो यहाँ ऊपर ज़्यादा नहीं आ पाता, ये रूम सेफ है पानी से। तो ये है गुफाएं, वैसे रूम काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 12-30 का होगा, यहाँ से यहाँ तक 12-30 का होगा लगभग, यानी कि काफ़ी लोग आ जाएंगे। और मैं निकल आया हूँ बाहर दोस्तों। अब इसके ऊपर भी तो वहाँ एक रूम है, कुछ भी हो वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जाना है अभी, वहाँ पर जाके दिखाते हैं वहाँ पर क्या है। दोस्तों हमने घूम लिया है और वो हम दो लोग आए हैं यहाँ पर, वो भाई अपने गार्ड है यहीं के देख में गाड़ी। तो हमने घूम लिया है और यहाँ पर लगभग 2 घंटे हो गए हमको, अब जा रहे हैं घर।
सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना।